रबीन मुरसलीन अज़ीज़ तलाबा वालबात इस मॉड्यूल में हम फिक्तिला की नौीय और वजूहात के हवाले से बात करेंगे एक सवाल अक्सर जहनों में पैदा हो जाता है कि जब हमारे सोर्स ऑफ ला एक हैं कुरान सुन्नत, इजमा तो फिर क्या वजह है कि हमारे यहाँ मुख्तलि फ़िके पैदा हो गई मुख्तलिफ मकातबिक्र और मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट पैदा हो गए बहुत अहम सवाल है और नहायत गौर फिक्र का है। एक बात याद रखिए कि हमारे तमाम जो अम्माए फिक हैं इस्लाम के बुनियादी अकायद बुनियादी इबादत और जरूरियात और अल्लाह रसूल की इताद पर मुतफिक हैं इसमें किसी किस्म का कोई अख्तलाफ नहीं है हाँ अहकाम शरिया की जो डिटेल्स हैं और कुरान और सुन्नत से आगे जो फहम अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से आराम इख्तलाफ आया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तशरीही इख्तलाफ है फहम का इख्तलाफ है इसे अपनी उम्मत के लिए रहमत का बास करार दिया इससे अमल के लिए राहें खुलती हैं एक से ज़्यादा ऑप्शन इंसान के सामने आते हैं आखिरकार वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी बिना पर राय बदलती है और राय में डाइवर्सटी आती है लोग मुख्तलिफ़ सोचते हैं उसकी हम चंद मिसालें आपके सामने रखेंगे सबसे पहली वजह फ़िकी इख्तलाफ़ की जो हमारे सामने आती है वो अहकाम की ताबीर तशरी है यानी कुरान सुन्नत के अंदर कुरान में एक आयत करीमा आई उस आयत करीमा का मान मफहूम जो अखज़ किया गया उसके अंदर राय का अख्तिलाफ हो गया मैं ये आयत करीमा आपके सामने रखूंगा या यूहजी आमन हो या मान वालो ऐम तुम बिल्सला जब नमाज के लिए खड़े हो वजू हकुम फू मराफ़िक अपने मुंहों को और अपने बाजू को कोहनी समैत धो लो वम सहू बे रोहू से कुमवार जोला कुमिरल काबे अपने सरु का मसा करो और अपने पाओं को टखनु समत धो लो इख्तलाफ कैसे पैदा हुआ अगर आप अरजोला कुम के लफ् पे गौर करें आरजोला कुम में लाम पे ज़बर आई हुई है बासौलम के नाम ने कहा कि आरजोला कुम का ताल्लुक फ़ सेलू के साथ है जो जमहूर अहनाफ और जो दीगर हमारे शवाफे हनाबला और अक्सर जो फकहा है उनका इजबा ये है कि आरजोला कुम की जबर बता रही है कि ये फ़ सेलू के साथ इसका ताल्लुक है इसलिए इसको धोना फर्ज है जबकि बाजा ने यह कहा कि नहीं इसका ताल्लुक वम वं, वम सहू का जो हुक्म है इसके करीब जो वर्ब मौजूद है इसका ताल्लुक उसके साथ है इसलिए इसके ऊपर मसा करना काफी कर। ये किरात का जो इख्तलाफ है किसी ने जबर पढ़ा और किसी ने जेर पढ़ी उस बिना पर इसके धोने और मसा करने का फर्क और इख्तलाफ पैदा हो दूसरी चीज जो है वो रिवायात में अख्तलाफ का होना यानी जो हमें अहादी से पाक मिली अब तमाम से हाबाए कराम बड़ी कॉमन सेंस से ये बात समझ आ जाएगी क्या तमाम से हाबाए कराम हर वक्त हजूर के पास मौजूद रहते थे ऐसा नहीं था कभी कोई लोग बैठे होते कभी कोई लोग बैठे होते ऐसा भी हुआ कि बाद लोगों ने इब्तदा में हजूर से बातें सुनी बाद में वो किसी और शहर में शिफ्ट हो गए उन्हें अल्लाह या अ अल्ला के रसूल वसलम ने उन्हें और जिम्मेदारियां देकर आगे रवाना कर दिया उन्होंने अब तक जो कुछ सुना हुआ था वो उसकी रोशनी में बात करते थे पीछे तालिमात में तब्दीली आ चुकी थी के अंदर तनवो आ चुका था जो बाद वाले लोग थे उन्होंने और चीजों को देखा तो इस एतबार से आगे जब मसाइल पहुंचे सिहाब कर के जरिए तो उसके अंदर राय का अख्तलाफ पैदा हुआ रिवायात में बाजात ऐसा भी होता था कि हर सिहाबी को हजूर की हर सुनी हुई बात याद नहीं होती थी मैं चंद मिसालें आपको दूंगा हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह दौर में दादी की विरासत का मामला उठा कि क्या दादी वारिस होगी या नहीं होगी इस पर हजरत सदना सदी अकबर रजी अल्लाह जो इतने करीब रहने वाले थे हजूर के उन्हें इस पर हजूर की कोई बात याद नहीं थी मुगीरा बिन शोभा और मोहम्मद बिन मुसलमा रजी अल्लाह तुम ये दो सिहाबी खड़े हुए हम गवाही देते हैं हमने हजूर से सुना था कि आका एक, आका ने दादी को विरासत में से छठा हिस्सा दिलवाया था सिदीक अकबर रजी अल्लाह तु को ये बात मालूम नहीं थी ये याद नहीं थी दीगर सिहाबा ने याद करवा दी अब जाहिर है इस बिना पर जो और लोग थे उनके मामले के अंदर भी राय में फर्क आ जाता है इजाजत तलब करने का क्या तरीका है उमर फारूक रजी अल्लाह के पास हजरत अबू मूसा अशरी आए उन्होंने तीन बार सलाम किया आप बिज़ी थे जवाब नहीं दिया वो चले गए उम्र फारूक ने बुला लिया क्या वापस क्यों चले गए उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था और आपका फरमान ये था कि तीन बार सलाम करो इजाजत लो अगर मिल जाए नहीं अगर मिल जाए तो ठीक है नहीं तो चले जाओ आपने कहा इस पर कोई गवाही देगा यानी यह बात उमर फारूक रजी अल्लाह तु के इम में नहीं थी तो दीगर अनसार ने गवाही दी कि हाँ हमने हजूर को ये बात फरमाते हुए सुना है तो इस एतबार से कई बातें होती थी जो तमाम सी हाबा कराम को याद नहीं होती थी किसी को याद रह गई किसी को याद ना रही इससे भी मसाइल के अंदर इख्तलाफ पैदा हुआ इस पर एक आखिरी बात करना चाहूंगा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तुम मुल्क शाम के विजिट पर गए वहां पर ताउन आया हुआ था डिस्कशन शुरू हो गई ताउन वाले इलाके में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कुछ लोगों की राय थी कि नहीं जाना चाहिए कुछ ने कहा नहीं जाना चाहिए अल्लाह पे तो्कुल है तकदीर का मामला है जो होगा देखा जाएगा हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ रजी अल्लाह आए उन्होंने कहा मैंने हजूर से फरमान सुना था जिस इलाके में ताउन वबाई मर्ज फैल जाए अगर तुम वहां से बाहर हो तो उसमें दाखिल ना हो और अगर उस शहर के अंदर मौजूद हो तो वहां से बाहर ना निकलो सिहाब के राम की कसिर तादाद को यह हदी से पाक मालूम नहीं थी अब्दुलरहमान बिन औफ को मालूम थी तो इस तरह रिवायात का हिफ्ज़ न होना हर एक को एक दम में सारी बातों का याद न होने से जिस खेल में जो बात होती थी वो वही बात आगे पहुंचाता था इससे भी बाजा मसाइल के अंदर इख्लाफ राय पैदा हो जाया करता था फिकी इख्तलाफात की एक तीसरी वजह यह बनी कि बाजात रिवायात के सबूत में शुबा पैदा हो गया एक इमाम के नज़दीक एक रिवायत साबित शुदा और दूसरा उसको साबित शुदा नहीं समझता था इस बिना पर भी फिकी आराम अख्तिलाफ पैदा हुआ उसकी मैं मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान हालत जनाबत में हो पानी के इस्तेमाल की कुदरत न हो तो उसे तयम करने का हुक्म अल्लाह ने दिया हुआ है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह त और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तौकफ यह था कि तयम कर सकते हैं जनाबत से पाक हो जाएंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकते उसके लिए लेकिन हजरत अम्बार बिन यासिर रजी सिहाबी रसूल थे उन्होंने हजरत फारूक से कहा कि आपको याद नहीं कि हम दोनों सफर में थे हालत जनाबत तारी हुई आपने नमाज को नहीं पढ़ा था मगर मैंने जमीन पर लौट पोट होकर तयम की शक्ल पैदा कर ली थी और नमाज पढ़ ली थी और वापस आकर मैंने जब नबी पाक पाकसलम को यह बात बताई थी तो आपने इस पर नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया था इसको नापसंद नहीं किया था बल्कि इतना फरमाया था कि तयम के लिए लौटने पौटने की जरूरत नहीं है तयम्म के लिए तो अपने चेहरे और अपने बाजू का मसाक का लेना काफी हुआ करता है अब ये बात हजरत अम्बार बिन यासिर पूरे यकीन से बता रहे हैं कि यह मामला पेश आया था मेरे साथ लेकिन हजरत उम्र फारूक को यह बात याद नहीं थी उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं आ रहा कि ऐसा वाक्य पेश आया हो तो रिवायत के सबूत में शुभों की वजह से भी बात फिकी आरा के अंदर इख्तलाफ पैदा हो जाता है